गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्लॉग्स विद केपी। तो आप सब कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है नवमी, तो आज नवरात्रि का लास्ट दिन है। तो आप सबको मेरे और मेरे फैमिली की तरफ से हैप्पी नवरात्रि और समस्त বাঙালিদের শুভ নবমী। আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো করে পুজো এনজয় করেছো। और ये देखिए, कल मैंने मेहंदी लगाया था, उसका कलर देखिए। ये तो चलिए, आज का व्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। आज दिन भर मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, इसीलिए नहीं आप लोगों के सामने आ सकी। तो इसलिए जो है, आज का व्लॉग मैं अभी से इवनिंग में, अभी टाइम मतलब 6 बज रहा है, शाम का 6 बज रहा है, तो अभी से स्टार्ट कर रही हूँ। तो देखिए, मैंने अभी दिया भी, भगवान को दिया भी जला दिया प्रसाद भी है। दे लिया है। अब जो है देखिए, जो है अब मैं कुछ स्नैक्स बनाऊंगी। स्नैक्स मतलब क्या, जैसे कि नमकीन बनाऊंगी और ठेकुआ ठेकुआ बनाऊंगी। हाँ, क्योंकि कल दशमी है, तो कल हमारे यहाँ पे, हमारे बंगाल में क्या होता है ना कि सबके घर घर में मिठाइयाँ दिया जाता है, मिठाई नमकीन। तो मिठाई तो मैंने मंगवा लिया है और कुछ नमकीन में घर में बनाऊंगी। तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस ठेकुआ बनाऊंगी। ठेकुआ तो मिठाई में ही आ जाता है, और फिर नमकीन बनाऊंगी। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं ठेकुआ इसकी बनाने के तैयारी। लिए मैंने यहाँ पे आटा लगा लिया है, आटे से बनता है ठेकुआ। तो आटे में मैंने थोड़ा सा वो सौंफ, चीनी, नमक और रिफाइंड ऑयल मिला के टाइट गूँथ लिया है आटे को, टाइट है एकदम। और यहाँ पे मैंने मैदे को लगा लिया है। मैदे में मैंने चीनी हल्का सा, बिल्कुल थोड़ा सा, और नमक, कलौंजी डाल के, कलौंजी और रिफाइंड ऑयल डाल के इसको, मैदे को गूथ लिया है। इसका मैं बनाऊंगी नमकीन और इसका मैं बनाऊंगी ठेकुआ। तो इन दोनों को मैं अभी ढक के रख दूंगी 10-15 मिनट के लिए। उसके बाद मैं बंगाल में बनाने क्या के होता है, लिए, बंगाल में तो बहुत बहुत अच्छे से ये दुर्गा पूजा होती है, लेकिन यहाँ पे यूपी में मैं रहती हूँ, तो यूपी में मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे खाली एक ही जगह, मैं एक्चुअली मैं एक टाउनशिप के अंदर रहती हूँ, तो वहाँ पे एक ही जगह है कॉम्प्लेक्स, वहाँ पे दुर्गा माँ बैठती है हर साल। तो वहीं पे कल मैंने नवरात्रि का जो वीडियो पोस्ट किया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देख सकते, तो वहाँ पे ये होता है, लेकिन बहुत भीड़ होती है, बहुत अच्छा लगता है। तो नेक्स्ट ईयर सोच रही हूँ, अगर नेक्स्ट ईयर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो नेक्स्ट ईयर हम लोग वेस्ट बंगाल जाएंगे, क्योंकि 3-4 साल हो गया लगातार वेस्ट बंगाल नहीं गए। तो पहले तो सोचते कि नहीं जाएंगे, लेकिन उसके बाद जब दशहरा का टाइम, दुर्गा पूजा का टाइम आता है, उस टाइम बहुत ज़्यादा मन एकदम वो ख़राब हो जाता है। तो ठीक है, मैं अभी ठेकुआ और नमकीन बनाने की तैयारी करती हूँ, बनाने जाती हूँ, और बीच बीच में आप लोगों से मिलती रहूंगी। मेहंदी कैसा लगा बताइएगा।